सच्चिदानंद पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सुप्रीम कोर्ट का 1987 का जजमेंट है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस वी खालिद ने जब ऑर्डर दिया तो उसमें कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि अब जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रहने वाली है भारत में, और ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये उससे 10 साल पहले ही शुरू हुई थी और धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आज के समय में हो ऐसा रहा है कि हर कोई व्यक्ति जो है सीधे PIL जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं PIL के खिलाफ हूं, लेकिन ऐसा करने से जब भी कोई भी व्यक्ति बिना कोई कारण और वजह के सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है PIL जुरिस्डिक्शन में, तो इससे जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन है वो अफेक्ट होता है। और इसके चलते कोर्टों का ज़्यादातर समय PIL को सुनने में ही जाने लगा है और ट्रेडिशनल लिटिगेशन इससे सफ़र कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक तो देश में इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम या इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए देश में लोक अदालतें या विलेज कोर्ट या इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, और जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उसको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रोसीजरल एस्पेक्ट को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्योंकि उसके चलते डिले होता है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं PIL जुरिस्डिक्शन में वो भी सही नहीं है, क्योंकि इससे जो है कोर्ट का समय ऐसे ख़राब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि PIL जुरिस्डिक्शन यूज़ किया जा सकता है और वो आ जाता है तो इससे कोर्ट का इम्पोर्टेंट टाइम ख़राब होता है। हाँ, ये होना चाहिए कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए प्रॉपर गाइडलाइन बने, जब गाइडलाइन बनेंगी तो उसी हिसाब से PIL फाइल की जा सकती है। ऐसा भी नहीं है कि PIL जब फाइल की जाती है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल एस्पेक्ट को देखता है। जब कभी भी किसी भी ग्रुप की या इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं और कोर्ट का कंसाइंस उसमें ऐसा लगता है कि इसमें सीधा सीधा इंटरटेन करना चाहिए उस मैटर को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्ट करता है, और ऐसा पास्ट में भी किया है और आगे भी करता रहेगा। तो इसलिए जब कभी भी कोर्ट को लगेगा तो कोर्ट प्रोसीजरल एस्पेक्ट से बाहर आते हुए इस जुरिस्डिक्शन का यूज कर सकता है, लेकिन कोई भी लिटिगेंट कैसे यूज करे इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बननी चाहिए। और उसके काफ़ी समय बाद उपेंद्र सिंह चौपाल के केस में कौन PIL कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या उसकी गाइडलाइंस है, वो भूपेंद्र सिंह चौपाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन की थी।